हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिव इंग्लिश एजुकेशन। आज हम सीखेंगे 9 नए तरीके गेट वेल सून कहने के। तो चलिए शुरू करते हैं। विश यू अ स्पीडी रिकवरी, विश यू अ स्पीडी रिकवरी, आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। सेकंड वे है टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी देखभाल अच्छी तरह से करें। होप यू फील बेटर सून, होप यू फील बेटर सून, आशा है कि आप शीघ्र ही बेहतर महसूस करेंगे। होप यू फाइंड स्ट्रेंथ विथ ईच न्यू डे, होप यू फाइंड स्ट्रेंथ विथ ईच न्यू डे, आशा है कि आपको प्रत्येक नए दिन के साथ शक्ति मिलेगी या ताकत पाएंगे। I hope each new day brings you closer to a full recovery. I hope each new day brings you closer to a full recovery. मुझे आशा है कि प्रत्येक नया दिन आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के करीब लाएगा। May good health envelop you. May good health envelop you. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। Seventh way है Hope you feel a little better every day. Hope you feel a little better every day. आशा है कि आप हर दिन थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे। Best wishes that you will soon be back to doing all the things you love. Best wishes that you will soon be back to doing all the things you love. शुभकामना है कि आप जल्द ही उन सभी काम करेंगे जिन्हें आप पसंद करते हैं। और आखिरी तरीका है जो कि बिल्कुल कॉमन, get well soon. Get well soon. जल्द ही ठीक हो जाओगे। आपको इन 9 तरीके में से कौन सा तरीका सबसे ज्यादा पसंद आया और आप किस तरीके से get well soon कहना चाहेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।